ड्राई या मीडियम स्किन के ग्लोइंग लुक के लिए कुछ घरेलू नुस्खे। दूध का क्रीम यानी कि मलाई और हल्दी से आपको सस्ता और बेहतरीन लिप नहीं मिलेगा। इसे रोज रात को अपने चेहरे पर लगाए और सुबह उठकर अच्छी तरह से धो दे। नारियल तेल में हल्दी और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर घिसे तब तक जब तक ऑयल एब्जॉर्ब ना हो जाए। आधे घंटे के बाद इसे धो ले। एलोवेरा का पेस्ट बना ले और इसमें भिगोए हुए बादाम का पेस्ट मिलाकर अपने चेहरे पर हर रोज रात को प्यार से लगाए और सवेरे इसे धो ले। गुलाब के फूल को पीस ले, दो या तीन बूंद ग्लिसरीन डाले, ना डाले तो भी चलेगा। गवार पत्ता यानी कि एलोवेरा डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा दूध। ये शरबतिया लेप चेहरे पर लगाए और 10 मिनट तक इसे मलते रहे। सरसों के तेल में हल्दी और थोड़ा सा चावल का आटे का मिश्रण करके लेप करें और 15 मिनट के बाद इसे धो ले। चावल का आटा डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा और हल्दी निखार देगा और सरसों का तेल स्किन हाइड्रेट करेगा और बैक्टीरिया का नाश भी करेगा। चावल के आटे के बदले आप बेसन या मसूर के दाल के पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। नारियल तेल और दूध एक और उपाय है। टमाटर, ककड़ी और पाइनएप्पल का पेस्ट हनी में मिलाकर लगाए तो चेहरा ग्लो होगा जैसे कोई चांद का टुकड़ा। बादाम, गुलाब का फूल, चिरौंजी और जायफल को रात में दूध के साथ भिगोकर रख दे। सुबह इसे पीसकर इसका मिक्सचर लगाए। और आखिर में नीम की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, गेंदे का फूल सभी को एक कटोरी पानी में उबाले और उसके रस को चेहरे पर लगा ले। इससे पिंपल्स आना बंद हो जाएंगे।